हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका PUBG मोबाइल के ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो धमाकेदार वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जेबी टेक गेमिंग पॉइंट में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भाई लोग, आप लोगों को लगता होगा कि ये साला पोचिंग की क्यों आता है, क्योंकि यार पोचिंग की कुछ अलग ही मज़ा है भाई। मैं जब पोचिंग की में आता हूँ, मेरा चिकन डिनर होता है। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मेरा चिकन डिनर होता है, क्योंकि पहले से ही मैं पोचिंग की में आकर थोड़ा और ड्रॉप खेलता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है थॉमसन, और थॉमसन से हम कहीं की पिटाई करने वाले हैं कई लोगों की। तो चलिए देखते हैं कौन कौन भाई की हम पिटाई करते हैं। ये पहले तो बोट भैया की पिटाई कर दी हमने, और आगे मेरा जो टीममेट था उसके पास थे बंदे। तो मेरे टीममेट बोलता है, भाई यहाँ जा बंदे हैं, और आप यहीं कहीं उधर उधर कहीं भी देखो, बोट्स बोट्स यहाँ से वहाँ दौड़ा दौड़ी कर रहे थे भाई। यार जो असली वाले बंदे हैं उसको ढूंढने में बहुत ही परेशानी होती है यार ये बोट्स की वजह से। ये भी देखो ये, और बाद में हमें आई पीछे से असली वाले बंदों की फायरिंग। तो हम चले गए उसे मारने के लिए, क्योंकि यार बोट को मारने में उतना मज़ा नहीं है जितना असली वाले बंदे को मारने में। तो चले गए, और यहाँ से एक बंदा दौड़े आ रहा था भाई। पता नहीं यार अभी पबजी में क्या करते हैं लोग, मुल्तानी मिट्टी खा लेते हैं, कोई कोई लोग सस्ता नशा कर लेते हैं, एक्सपायरी डेट वाला पेन किलर खा लेते हैं। भाई आप भी देखो यार, पबजी खेल रहे हो तो इतना ध्यान रखो कि आप जो पेन किलर खा रहे हो एक्सपायरी डेट वाला तो नहीं है। एक्सपायरी डेट तो नहीं चली किसकी, ये तो असली वाला था, लेकिन खिड़की से कहाँ जा रहा था, खिड़की से। और उसका एक जो बंदा है ना, उसे ढूंढने में मैं सालों साल लग गए, इसलिए मैंने थोड़ी बीच की क्लिप जो मैंने काट दी, क्योंकि बहुत ही देर लग गई। और वो जो क्लिप है वो मैं नहीं काटता ना दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए। तो बहुत ढूंढा उसे, बहुत ठीठ बंदा था, हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। और हमें मिलता है यहाँ पबजी वालों का आशीर्वाद। तो आशीर्वाद जिसको भी मिलता है वो फटाफट से ले लो, क्योंकि पबजी वालों का जो आशीर्वाद है वो कभी ठुकराना नहीं चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और वो जो बंदा है हमारे सामने वाले ग्रीन घर में था। तो मैं यहाँ से फेंकता हूँ स्मोक, लेकिन मिनी से मेरे को नॉकआउट कर देते हैं वो भाई। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं नॉकआउट हो गया हूँ, उसने रश नहीं किया, पुश नहीं किया, क्या कर रहा था भाई वो। लेकिन हमें बाद में पता चला दोस्तों, हमें भी बाद में पता चला था, तो मैं पहले क्यों बता दूं आपको, आपको भी बाद में पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे आया तो मेरे टीममेट ने उसे मार दिया था, और उसकी पेटी में देखा तो बेचारा लाचार था, उसके पास सिर्फ थी मिनी 14। तो कैसे रश करता हम पर कैसे, तो इसलिए उसने रश नहीं किया था। तो आगे जाकर हमें मिल जाते हैं दो बोट्स के आशीर्वाद पबजी वालों की तरफ से, और यहाँ एक डुओ अभी तक था, वो कैंपिंग कर रहा था। प्रो कैंपर थे भाई, प्रो कैंपर, नहीं 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 प्रो कैंपर। तो क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ, हम भी प्रो रशर है। लेकिन अभी देखो देखो नहीं नहीं देखो लिटरली ना, उसने मुझ पर कर दी मौली से अटैक, मेरे पिछवाड़े पर आग लगा दी भाई, आग, पूरी आग लगा दी, मेरा पिछवाड़ा जल गया। और मेरा टीममेट फटाफट से आ जाता है, मुझे रिवाइव कर देता है। और वो दो बंदे थे कैंपिंग कर रहे थे भाई, नहीं 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 कैंपिंग तगड़ी वाली कैंपिंग, उस तरफ जो हम लड़ाई कर रहे थे, कहाँ नहीं आना था कहाँ, उस तरफ कोई बात नहीं बेटे, उस तरफ नहीं तो इस तरफ तेरी पेटी कूटी तो बनने ही वाली है। तो हम कर देते उस पर रश, पेटी कूटी तो वैसे भी बनने वाली है तेरी। तो पहले मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ, भाई तू यहाँ थोड़े स्मोक कर दे पहले स्मोक, क्योंकि ना अगर ऐसे आप रश करोगे तो वो
निशाना लेकर ही बैठे होंगे और आपकी पेटी कुटी बना देंगे। तो अगर आपके पास नेड़ है तो नेड़ कीजिए, स्मोक है तो स्मोक कर दीजिए। तो मेरा टीममेट यहाँ कर देता है स्मोक, और जैसे ही स्मोक हो जाता है हम चढ़ जाते हैं भाई। नहीं, चढ़ जाते हैं और मैं एक को यहाँ नॉकआउट कर पाता हूँ, लेकिन दूसरा वाला जो है वो मेरे को नॉकआउट कर देता है। और मेरे टीममेट को बोलते हूँ, भाई मुझे मुझे अभी नहीं मरना, जीना है, मुझे आशीर्वाद दे। उठ जा भाई, उठ जा। और मैं खड़ा हो जाता हूँ और उसकी पेटी में से उठा लेता हूँ एम फोर द गन। अभी थोड़ी एमओ ले लेते हैं, थोड़ा हीलिंग का सामान ले लेते हैं और बाद में करते हैं दूसरी जगह पर रश। और ये देखो भाई, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए भाई, इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। देखो अभी अब ये लो भाई, कुसा दी। क्या भाई, क्या ड्रिंक नहीं करना चाहिए, बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। अभी देखो ये इतना बड़ा हादसा हो गया, बीबी बच्चे इस भाई के होंगे, क्या करेंगे अभी। छोड़ो उसकी बात, और हम ले लेते हैं यहाँ पे फ्यूल, क्योंकि पेट्रोल पे तो फ्यूल के लिए आते ना लोग। तो फ्यूल ले लेते हैं फटाफट से, और हमारी गड्डी में फ्यूल डाल लेते हैं, तेल डाल लेते हैं। वैसे तेल नहीं डलता, डीजल डलता है, लेकिन डाल देते कुछ भी, चलनी चाहिए भाई हम सब तो गाड़ी। और हमारे पीछे ना एक दो कीड़ा होता है, तो उसके लिए बहुत ही बंदे आते हैं। अभी देखो आप, नहीं, अभी देखो कितने बंदे आते हैं, अभी देखो आप, अब बहुत ही सारे बंदे आते हैं रे। और गाड़ी गाड़ी लेकर आते, गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरते साले। ऐसे ही लड़ाई करनी है सबको, तो हमने भी ठान ली थी हम भी गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे, ऐसे ही पेटी कूटी बना देंगे। तो चलते हैं हम आगे। और अभी देखो रोब लूटने के लिए दो लोग, देखो ये एक गया, ये दूसरे की भी पेटी बन गई। अभी मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मेरा तो कोई चांस ही नहीं किल का। मेरा टीममेट देखो अकेले अकेले किल कर रहा है। और ये दूसरा भाई देखो यार, अरे भाई ये है, देखो भाई इसको तो मैं मारूंगा भाई, मार दिया व्हीकल से, व्हीकल से लिटरली मार तो दिया। और यहाँ पे हम थोड़ा हील वील कर लेते, क्योंकि डैमेज तो हमें भी मिला था, लेकिन बोट्स के डैमेज से कुछ नहीं फर्क पड़ता जनाब। तो थोड़ा हील वील कर लेते हैं यहाँ पर। और अब फाइनली बारी आ ही गई है हमारे थंबनेल टाइटल की। तो यहाँ जो बंदा था ना, बंदर था भाई, बंदर। अरे भाई अब बहुत नहीं बताना है, क्यों यार आपका मजाक खराब कर रहा हूँ मैं। देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। यहाँ लास्ट दो बंदे थे भाई, तो मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ तू राइट से जा पूरा, मैं लेफ्ट से जाता हूँ। और देखो क्या हो जाता है, मेरा टीममेट हो जाता है नॉकआउट। नॉकआउट कर देते हैं साले उसे, थोड़ा भी रहम नहीं करते। ये रहा ये रहा, इसको तो नहीं, चटनी चटा दी भाई, चटनी, लिटरली चटनी चटा दी। और ये भाई है ना, एक भाई था, अभी देखो आप ये कहाँ पर था भाई। मैं ढूंढ रहा था उसे और मेरे को नहीं मिला। और बाद में फुटप्रिंट तो आ रहे थे, फुटप्रिंट तो आ रहे थे उसके, लेकिन मिल नहीं रहा था। बाद में मुझे पता चला भाई कि वो जो भैया है वो ऊपर छत पर चढ़े हुए, छत पर, तो छत पर चिड़े हुए बंदर का तो क्या करें अभी। ये देखो भाई, मैं थोड़ा स्लो मोशन में दिखाता हूँ, देख लिया ना भाई। अभी उस बंदर की तो ऐसी की तैसी पेटी कूटी बनानी पड़ेगी रे, क्योंकि अभी वो है और मैं हूँ, और चिकन डिनर हाथ से नहीं जाने देना है हमें। तो पेटी तो बनाई बनानी होंगी। और वो छत पे था तो थोड़ी दिक्कत थी मुझे, क्योंकि नहीं वेरा उसके अंदर। और ये देखो भाई नीचे आ गया भाई, ओहो बच्चा नीचे आ गया तू, ये ले अब तेरी पेटी बन गई भाई, ये हमें मिल गया विनर विनर चिकन डिनर।
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो अगर कोई गलती हो गई है मुझसे तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अभी नया नया हूँ ना, कच्चा हूँ, थोड़ा पक जाऊँगा। तो मिलते हैं अगले गेम प्ले वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही।